मौसम नदी में अपना वैतागवाड़ी के पास एक लाश पानी के अंदर 15 फीट गहरे गड्ढे के अंदर मिली। वहां से हम लोगों को रमजानपुरा सेक्शन के एपीआई साहब ने कॉल करा कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है शफीक भाई, और उसके बाद उन्होंने पवार साहब को फोन लगाया, शकील भाई को लगाया, मैंने भी शकील भाई को लगाया। शकील भाई से कहा कि हम लोग को स्पॉट पे पहुंचना है, तो शकील भाई तो ऑलरेडी उनका फायर स्टेशन की गाड़ी जाकिर हाजी साहब के साथ लेके निकल चुके थे। वहां पर पहुंचे 15 से 20 मिनट के अंदर उसको रेस्क्यू करके शकील भाई ने उसकी डेड बॉडी 15 से 20 फीट गड़े से बाहर निकाली, और निकालने के बाद उन्होंने उनकी वजह भी बताई कि यार आदमी जब कपड़े पहन कर नहाता है तो उसका कपड़ा जो है वो भारी हो जाता है और उसको पैर मारने के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो उससे उसका पैर जाम होता है और हाथ पैर जाम होने के बाद फिर वो नहाने में उसको दिक्कत आती है, इसलिए वो डूब जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शकील भाई ने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके बाद पहली बात तो जाना ही नहीं चाहिए नहाने के लिए, अगर तुमको नहाते नहीं आता है तो जाओ मत, अगर जाते हैं अगर तुमको नहाने का हुनर है तो फिर कपड़े उतार कर आप अंडर पैंट के ऊपर उसके ऊपर नहा सकते हो। खैर ये तो कोई बात नहीं, शकील भाई ने आपसे बताया, लेकिन अभी मामला ये है कि इसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। हम लोग आप लोगों के सामने ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, इसका फोटो शेयर कर रहे हैं, उसकी जेब से सिर्फ एक डायरी निकली है और एक डायरी के अंदर एक ही नंबर मिला है, वो नंबर पे फोन लगा रहे तो वो फोन उठा नहीं रहे। कंफर्म अगर हो जाते हैं तो उसके घर वालों को बुलाकर रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब वो उनकी टीम को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। कुर्ता घर के अंदर इसकी लाश रखी हुई है, हम लोग फोटो आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर आप कोई इसको जानता पहचानता हो तो तुरंत रमजानपुरा पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट करे, या उसके अलावा आप लोग सिविल हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करे, सिविल हॉस्पिटल से या शकील भाई से या मुझसे या जाकिर हाजी से, किसी से भी आप कॉन्टेक्ट करें, हम लोग उसकी डेड बॉडी यहाँ सर यहाँ से निकाल कर दे देंगे। शुक्रिया।